फ्रेंड्स, मैं रेनु सिंघल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नो वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जीएसटीआर 9 से रिलेटेड सेकंड इशू को हम डील करने जा रहे हैं, जो कि आईटीसी से डील करता है। आईटीसी के फर्स्ट इशू में हमने देखा था जब जीएसटीआर 2A, टेबल 8 और जीएसटीआर 9 और 3B में वेरिएशन थे। अब हम देखेंगे कि जीएसटीआर 9 के टेबल 8 में जो फिगर आती है वो 2A से उठकर आती है वो फिगर, और जो आपने आईटीसी की फिगर 3B में क्लेम किया है वो कम है। उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आपको सभी रीजंस के कैसे कैसे 9 में डील करेंगे, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने लॉग इन किया, जीएसटीआर 9 में गए। अब हमारे पास फर्स्ट चैलेंज क्या है इसके अंदर कि टेबल 8 में फिगर जो आती है A के अंदर 2A से होकर आती है, पर जो 6 की फिगर है वो 3B से पिक कर रहे हैं हम, और 6 में फिगर कहां से आती है, हमारी जीएसटीआर 3B से, यहां से, राइट। अब हमारा केस क्या है, हमने टेबल 6 में आईटीसी करेक्ट क्लेम किया है, मींस हमारे पास इनवॉइस आ चुके थे, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की, रिटर्न फाइल की, मींस अपने कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमने सारा आईटीसी प्रॉपरली क्लेम किया। सपोज हमने आईटीसी क्लेम किया 100 रुपीज, पर जब हम टेबल 8 में गए तो वहां पर हमने देखा टेबल 8 पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये टेबल 8 की फिगर हमारी 2A से पिक होकर आती है। यहाँ पर हमने क्लेम तो किया 100 रुपीज टेबल 6 में, पर यहाँ पर आया 120 रुपीज, मीन्स यहाँ पर एक्सेस है। तो क्या ये 20 रुपीज हमारा बोनस है या इसके क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन इसमें ये हो सकता है कि सप्लायर ने आपका जीएसटीन गलत डाल दिया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी लास्ट 3 डिजिट थी 1ZU, पर उसको डालना था 1ZY और उसने Y के प्लेस पे U डाल दिया और वो आपका आ गया, आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर आपने उससे गुड्स नहीं खरीदे हैं, सर्विसेज नहीं लिए, आपके पास इनवॉइस नहीं है, तो आपका वो एलिजिबल क्रेडिट नहीं है, आप उसे क्लेम नहीं करेंगे। क्यों? अगर सपोज आपने क्लेम कर लिया रॉन्ग होते हुए भी और उसने फ्यूचर में अमेंड कर दिया तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपने रॉन्गली अमेंड क्लेम कर लिया आपका इश्यू आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 120 आ रहा होगा, आप 100 क्लेम करेंगे और 20 कहाँ चला जाएगा, पॉइंट ई में, कहाँ पर, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपने 100 क्लेम किया है 3B में, सब कुछ ठीक है, और टेबल 8 में बी में, टेबल 8 के ए में आ रही है 120 की फिगर, तो 20 रुपीज आपके हो सकते हैं इन एलिजिबल क्रेडिट टू एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल परचेज किया, मोटर व्हीकल परचेज किया और आपने उसको 3B में इन एलिजिबल नहीं दिखाया, जस्ट कैपिटलाइज कर दिया उसको, कोई भी शो नहीं किया, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, यहाँ 120 होगा पर आपने 100 क्लेम किया, तो 20 आप कहाँ शो कर देंगे, आईटीसी था तो, पर वो क्या था, इन एलिजिबल है। अब नेक्स्ट क्या केस क्या हो सकता है कि आपने 17-18 में था पर आपने 20 रुपीज क्लेम नहीं किए, वो आपने 20 रुपीज क्लेम नहीं किए, वो अब आपने 18-19 में क्लेम किए हैं, तो आप इस टेबल सी में दिखा देंगे और टेबल 13 में जाके दिखा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ टेबल 13, यहाँ पे आईटीसी अवेल्ड फॉर दी प्रीवियस ईयर ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन इश्यू है जो सब लोग डील कर रहे हैं कि उनको फेस करना पड़ रहा है कि उन्होंने कम क्लेम किया हुआ है या ज्यादा क्लेम किया हुआ है, तो उसको वेरियस टेबल 6, 7, 8 इन तीनों टेबल्स में आपको कैसे डील करना है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।